जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। मुझे नहीं पता था कि कभी जिंदगी में मुझे आपको ये कहना पड़ेगा। यकीन करें वो मेरा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर हाथ आए। मैंने कुछ नहीं किया आपको, ऐसा तो हो चुका। तुम ये बात कैसे भूल गई कि किसी लड़की का नाम आना ही काफी होता है। वो ठीक था गलत था भी या नहीं ये कोई नहीं जानना चाहता। अब वो ऐसे मत बोल, मैं बेटी हूं आपकी। आप मेरी बेटी हो सारा, सबकी नहीं हो। मेरा तुम पे भरोसा, तुम्हारा मेरे पे भरोसा, ऐसे नहीं गुजरती जिंदगी। ये नहीं है जिंदगी। आप नाराज हैं मुझसे? मुझे पता नहीं है। अब तो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, क्यों कर रहे ऐसे? वो बात करे मुझसे, पूछे मुझसे, मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। देखे तो मेरी तरफ, तुम्हें तो देखा है सारा। लेकिन ना मैं कुछ पूछना चाहता हूं, ना मैं कुछ जानना चाहता हूं। बस तुमसे इतना कहना है कि खुद को शादी के लिए तैयार करो। अब मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी, हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो जिंदगी थी हर पल रह गया बस जाने से गुजरना। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। देख लेना, बिल्कुल यकीन नहीं करेगा वह आज उसकी किसी बात का।
मुंह की खाएगी। अरे भरोसा किसी के दिलाने पे आता है क्या? बस थोड़ा सा इंतजार, रोमाना खुद चल कर आएगी तेरा रिश्ता मांगने। ये नतीजा होता है माँ बाप की नाफरमानी का भाई, दुनिया पे ठुड्डों में रखती है। डिग्रियां नहीं बसाती किसी का घर, घर बसता है इखलाक से, तरबियत से, किरदार से। ऐसे थोड़ी हो जाते हैं रिश्ते। डिग्रियां चेक करके कौन करता है शादी? अच्छा बात सुन, जरा जाना नीचे, देख के तो आग, चल क्या रहा है? नहीं मैंने नहीं जाना, हर टाइम बातें सुनो। क्यों सुनूं मैं? चल किचन में जा रही हूँ मैं। इसको तो सारा का गम खाया जाता है भाई। शादी, शादी कर लो मुझसे तो फिर मैं हाँ समझूं। अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिन का हाल बता रहे हैं। ये एक मिनट ऐसे रहने दो ना, तुम्हारे भाव कितने खूबसूरत हैं। You're so beautiful। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ नीचे, जरा उनकी खबर तो लूँ। तुम मत आना अब नीचे, बस अपना काम करो ध्यान से, ये आके बताती हूँ क्या होगा। कोई और काम नहीं। कम अज कम वो मुझसे मिलना तो चाहता है ना, सबकी तरह फैसला तो नहीं सुनाया उसने। अच्छी बात है उसको लगता है मुझ जैसी लड़की से बात तो की जा सकती है। क्या कहती हैं आप, दे दूँ इजाज़त? फोन उठाओ शाहरुख, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये मेरा? फोन तो उठा लो। मानता है कि नहीं फिर? अच्छा फिर सीन था। अरे कम से कम फोन तो उठा, कोई मसला होगा तुम्हारी बढ़िया जी को, बार बार फोन कर रही है इसको। यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। तुम लोग लड़कियों के पीछे भागते और मैं लड़कियों को अपने पीछे भगाता। ये देखो लड़कियां जो होती है ना, वो परिंदों की तरह होती हैं। उन्हें पहले दाना डालो, उस दाने की आदत डालो, और जब आदत लग जाए तो फिर हाथ खींचो और फिर सुकून से बैठ के उन्हें तड़पता हुआ देखो।
उस गेम का मजा ही कुछ और। शाहरुख भाई, ऐसा ना हो कि तड़प तड़प के मर जाए, हमारा क्या होगा? और देख, तूने वादा किया था, फार्म हाउस हो गया। हाँ सही कह रहे, नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, वो खुद चल के आएगी। हो गया सर, तुम लोग बस देखते जाओ और सीखते जाओ। भाई जब चिड़िया खुद जाल में फंसना चाहती है तो हम मेहनत क्यों करें? मेहनत तब करेंगे ना जब करनी होगी। ऐसे ही तो नहीं, हमारे शाहरुख भाई को लव गुरु कहते हैं। क्या बात है शाहरुख, बात क्या करो मुझसे, तुम्हारा दिल नहीं करता मुझसे बात करने को? बस पता नहीं, मैं वो टाइप नहीं हूँ जो हर वक्त फोन पे क्या खाया क्या पिया। सॉरी, आपको सिर्फ ये बताना था कि शी इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद अस, और आपको पिक्चर भेजने का मकसद ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। तुमने या सारा ने कुछ ऐसा वैसा किया जो जमाने की पकड़ में आ जाए तो उसका खुमियाजा तुम दोनों को एक साथ भुगतना पड़े। एक दूसरे को समझो बेटा, समझाओ एक दूसरे। भाई देख लो, सोच लो, शादी करोगे ना मुझसे, क्या मेरा भरोसा गलत तो नहीं? तुम्हारा भरोसा बिल्कुल ठीक है। जल्दी अम्मी से बात नहीं कर ली, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, भरोसा है। मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूं, सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा, कोई दुख कोई परेशानी तुम तक नहीं आने दूंगा, हमेशा खुश रहोगे तुम। खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं, असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ और एक दूसरे को कभी ना छोड़ें। का साथ होता है ना तो दुख दुख नहीं रखता। चल मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा तुम्हारी खूबसूरत कलाइयों के लिए बहुत अरमान से खरीदा है मैंने, हाथ लो।
नशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। उसके कजन को बुला लिया है तुमने? हाँ बस आता ही होगा, याद रखना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आओ। आ रही हूं भाई। जी आप कौन? हेलो आंटी, हमें सारा से मिलना है, ये उसी का घर है ना? हाँ आप कौन? हम एक्चुअली उसके ऑफिस से आए हैं, ऑफिस का ही कुछ काम था। आप उससे बुला दें या हमें अंदर आने दें? आइए अंदर आइए। वैसे आप लोग आए क्यों हैं? सारा तो ऑफिस छोड़ चुकी है। जी आंटी, इसीलिए तो मिलने आए हैं। एक्चुअली वो हमें से किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ऑफिस के कुछ कॉन्फिडेंशियल्स हैं उसके पास, बस वही रिसीव करने आए। क्या है उसके पास? मतलब कि जरूरी कागजात हैं उसके पास। लेकिन आंटी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम कब आए सारा के घर? मतलब घर तक नहीं, दरवाजे तक, ड्रॉप वगैरह के लिए। आंटी प्लीज आप सारा को जरा जल्दी बुला दें, हम जरा जल्दी में हैं। बैठे हैं, बुला रही हूँ। सारा फोन क्यों नहीं उठाती हो तुम किसी का? ऑफिस वाले घर तक पहुंच गए। क्यों भी? मुझे क्या पता, कह रहे तुम्हारे पास उनके कोई कागजात है, जल्दी तो भगाओ यहाँ से उन्हें। मेरे पास कोई कागजात नहीं अम्मी। मुझे नहीं पता, जल्दी करो और तुम्हें अब्बा को पता चल गया ना मुसीबत आ जाएगी। शुभाना तुम लोग आओ अंदर बैठते हैं। क्यों बाहर क्यों नहीं मानी? दरअसल आइए प्लीज बाहर बैठिए, आइए अम्मी आप भी चले, तुम भी चलो। मैं इसके बुक बुला। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे कहा था सारा, मैंने बुलाया नहीं आपने। सारा तुमने खुद तो कहा था मुझे कि मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम दोनों अभी निकलो मेरे घर से, दफा हो यहाँ से। बाहर आप नहीं जानते इन दोनों की असलियत की, आपने क्यों इनको यहाँ पे बुलाया है? अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? इन्हें घर में आने क्यों दिया? हो क्या रहा है इस घर में? आज क्या हो रहा है, ये सब क्या है ये? सॉरी मामू, लेकिन लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ और मुझे सच जानने का हक भी है। इन लोगों से मैं पहले ऑफिस में मिला था, इन्होंने कहा कि बात यहाँ घर पे होगी, पर मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा गलत नहीं है। सारा बोलो,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम चले जाते हैं। ऐसे कैसे चले जाते हैं? अब तो पूरी बात होगी ना, मतलब तुम वही लोग हो ना जिन्होंने मेरी बच्ची को इस सारे चक्कर में फंसाया। तुम लोगों का तो मैं वो हशर करूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। सारा मेरी बच्ची, तुमने घबराना नहीं है बिल्कुल। तुम अगर बेकसूर हो ना तो इन लोगों के सामने साबित करो। रो मत सारा, बताओ अपने आप को बेकसूर साबित करो इन लोगों के सामने। सारा, इस वक्त रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे सच जानना है। हम सबको यहाँ पे सच जानना है। प्लीज प्लीज बताओ सच क्या है। सारा बोलो सच क्या है। सारा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बता दो अपने कजन को कि सच क्या है। देखो बता दो सबको कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या शादी करना चाहते हैं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारा। बस क्या क्या नहीं बोला, मैं इससे बात कर रहा हूं। आराम से बात कीजिए, इस तरह बात होती है क्या? ओ बंद करो ड्रामा, तुम नुकसान दे रही हो कि मैं बात। अब्बू ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कम ऑन सारा, अब मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी मगर तुमने मेरी कोई बात ही नहीं समझी। सारा सच बोलो प्लीज, अब ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है, अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, सच बोलो। मैं सच कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही। सच बोलो सच बोलो। अब ये दोनों साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। क्यों करेंगे साजिश, क्या चाहिए तुम लोगों को इससे? अंकल अंकल देखिए मेरी बात सुने, आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखें, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले थे। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सारा तुम सबके लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो, बता दो सबको कि एक मिनट। अम्मू मेरी बात सुने, अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसे क्यों करूंगी अम्मू, बाहर ये सब झूठ है यार। तुम सारा पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अरे रोको कोई इसे, बाहर बाहर। अरे बाहर देखो तो सही। असली सब बोलो। हेलो 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 क्या हुआ? अरे कब पकड़े मैं सब तेरी वजह से हुए हैं। अरे मेरा भाई बहुत बड़ी बात है, जनरल इसका मतलब है थोड़ा बहुत मैं बताऊं बोलने वालों में से नहीं। ये बात अच्छी तरह याद रखना। पानी पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, मामू पानी पियो, मामू पानी पियो। Oh,
व्हाट द हेल सरफराज, मनमोहन क्या आराम से गाड़ी चलाओ। बात मत करो मुझसे। अच्छा छोड़ो ना, जो होना था हो गया यार, गाड़ी तो आराम से चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। मैं जानबूझकर गाड़ी कहीं खोल दूंगा अगर तुमने एक लफ्ज भी मुझसे बोला तो। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही, पर प्लीज गाड़ी तो ठीक से चलाओ। हुआ क्या बेटा, मैं तो हांडी छोड़कर भागती भी आई हूँ। सुबह तक तो सही थे भाई साहब की तबीयत, ये अचानक से क्यों इसकी तबीयत खराब हो गई? वैसे हॉस्पिटल से कोई राबता हुआ, कोई खबर आई? नहीं आंटी, अभी तो नहीं आई, बस आप दुआ करें कि अल्लाह खैर करे। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा ये लोग थे कौन काली गाड़ी में जो आए थे, कभी इनको देखा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? कौन आंटी, कौन लोग? अरे वही जो अभी अभी गए हैं गाड़ी में, इनके सामने वो मॉडर्न सी लड़की बैठी हुई थी आगे। भाई बड़े लोग लग रहे थे वो तो मुझे। अच्छा वो वहाज के ऑफिस के थे ना दोस्त, है उनके किसी काम से आए थे। तो बेटा कोई बात हुई है? मैंने आते हुए तो देखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जो भाईजान की तबीयत खराब हो गई? नहीं आंटी, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, बस आप ही कोई लग रहे हैं इससे। इनके पापा भी यही कह रहे थे कि भाई कोई और बात है। मैंने भी यही कहा कि भाई इतने पुराने लोग रहने वाले हैं इस महल्ले में, कभी एक बर्तन के खनकने की आवाज तक नहीं आई इस घर से। तो कहने लगे कि हाँ भाई मालूम करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मदद की जरूरत हो। तो बेटा अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दो, हम तुम्हारे पुराने पड़ोसी हैं और वैसे भी पड़ोसियों का तो बहुत हक होता है। आंटी अपना आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं, कह रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे बस रहने दो, अगर नहीं बताना चाह रही तो वो दूसरी बात है, हम तो बस अपना समझ के आ गए थे। वैसे एक बात तो बता। क्या मतलब है, क्यों आए आप लोग? हाँ अपने घरों को ठीक करें पहले, फिर मेरे घर आएगा। हमारे घर के मसले ना हम खुद हल कर लेंगे, आप लोग अभी इस घर से चले जाएं फौरन। सारा क्या कर रही हो तुम, बस आओ। मामू की तबीयत नहीं ठीक ना, तो परेशान है वो, आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या मतलब है कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों खोला तुमने दरवाजा, क्यों बुलाया तुमने इनको अंदर? तुम्हें नहीं पता इनकी हरकतें? अभी भेजो इनको मेरे घर से बाहर, अभी इसी वक्त जाएं प्लीज आप लोग यहाँ से। तौबा तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, देख रही हो तुम कैसी जबान चल रही है इसकी। अब चलो क्या धक्के देके निकालेगी ये तुम्हें? चलो भाई चलो, आप अभी जाएं। रहने दो रहने दो, कोई ना कोई गुल जरूर खिलाया होगा इसने, जब भी तो इस कदम मिर्चे लग रही है इसके। आई बड़ी, देखा तुमने, जाओ दरवाजा बंद करके आओ। क्या करती हो सारा, अब 10 महलों में जाके वो बातें करेगी। करती रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें कहती रह गई हमीदा कि तुम्हारी जवान लड़की है, आने जाने वाली, बाहर आती जाती है, उस पर नजर रखो, ध्यान दो उस पर। पर तुमने मेरी एक ना मानी, तुम्हें तो लगता था मैं तुम्हारी बेटी पर तोहमत लगा रही हूँ। अरे अपने ही घर की बच्ची पर तोहमत लगा रही हूँ मैं? अच्छा बस ना, चुप कर जाए और कितना सुनाएंगी हालत। अच्छा मैं चुप कर जाऊँ, यानी अभी मैं ही चुप कर जाऊँ? तुम्हें क्या लगता है मैं सुना रही हूँ तो क्या बिला वजह सुना रही हूँ? मेरा बेटो जैसा भाई इमरजेंसी में पड़ा है, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें रोमाना, अगर मेरे भाई को कुछ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा, आपस दुआ कीजिए इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। अरे अब होने को रह भी क्या गया है, बस मुझे कोई चुप ना कराए कसम से, मैं चुप नहीं करने वाली। जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाएगा मुझे चैन नहीं आने वाला। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, इस लड़की ने हमें कहीं का ना छोड़ा, ऐसी जगह लाकर मारा जहाँ पानी भी कोई ना पूछे। पांच कैसा है मेरा भाई, क्या कहा डॉक्टर ने, उसे होश आया कि नहीं? उन्हें होश आ गया है, खतरे से बाहर है वो। अल्लाह तेरा शुक्र है, सुना तुमने
भाई को होश आ गया है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हम घर कब ले जा सकते हैं? क्या कहा है डॉक्टर ने? अभी इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं मेडिसिन लेके आ। हाँ मामू को होश आ गया। अम्मा से बात हुई थी मेरी। अब्बू कैसे है? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी देर में उनको घर लेकर आ रहे हैं। सारा जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया ना, तो कोशिश करो तुम ठीक रहो। देखो मामू जान के लिए स्ट्रेस अभी बहुत खतरनाक है, वो ऐसे तुम्हें देखेंगे या कोई भी बात दोबारा से सोचेंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ेगी। बस कोशिश करो जो हुआ है वो भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं दुरैया, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, कितना झूठा साबित किया इन सब ने मुझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। मेरे बाप ने कितने मान से मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत दी, मुझे पता है उन्हें बहुत दुख हो, लेकिन मैं गलत सही हूं दुरैया, और ये मेरे अपने घर वाले जो मेरी बात तक नहीं सुनना चाहते। सारा बात ही ऐसी थी, चाहे वो सच है या झूठ है, मैं जानती हूँ वो झूठ है, लेकिन ऐसी बात किसी के सामने भी एकदम से आए तो बर्दाश्त नहीं होगी ना, तो फिर मामू जान है। लेकिन मैं जानती हूँ कि सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकती सारा, मुझे यकीन है तुम पे, बाकी सबको भी आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या? फिलहाल तो रैया क्या हुआ? अम्मा का फोन आया था कि तुम मामू के सामने नहीं आओ। ऐसा मामू ने कहा है अम्मा को कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं कह रही हूं ना सारा, ये सब वक्त की बातें हैं, मामू जान के दिल में ये थोड़े दिनों का गुस्सा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अम्मा भी समझा रही हैं मामू को, पर थोड़े दिनों के लिए तुम प्लीज उनके सामने मत आना सारा, कि तबीयत खराब होगी, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा ना फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सारा हाँ सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था, ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं, हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।
ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है, अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, सच बोलो। अंकल अंकल देखिए मेरी बात सुनो, आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले थे। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सो गया आराम से, अब उसे ना उठाना है, डिस्टर्ब ना करना। मैं बाहर से पूछ लिया दवाइयाँ किस तरह देनी है? जी जी अम्मा। हाँ बस जिम्मेदारी से देती रहना दवाइयाँ। और सुनो, वो उठे ना तो उसे कहना फिक्र ना करे, हम सब उसके साथ हैं, ठीक है? जी। अच्छा भाभी इजाजत दें, चलती हूँ मैं। चलो बेटा, ठीक है आप? हाँ ठीक है, जाओ। अब आप आराम कर लीजिएगा थोड़ा। अरे भाई अब नींद कहाँ आनी है मुझे। वैसे हमीदा अल्लाह खैर करेगा सब ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे लेना, सब खैर ही रहेगी। क्या हाल कर दिया मेरे भाई का।